नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज बात करेंगे कि आपके बिगड़े हुए कामों को आपके पितर कैसे बना सकते हैं, या फिर पितरों की सहायता से कैसे आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, ये आपको बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे आपको आज का दैनिक राशिफल, चर्चा होगी सफलता के अचूक महा उपाय की, और इसके साथ ही आज रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके पारिवारिक कलह कलेश को बिल्कुल खत्म कर देगी। तो ये तमाम आपको जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस मंत्र का सुबह के समय 108 बार जाप करने से आपकी बीमारियां शांत होंगी। जो आपको रोग हैं उनमें आपको आराम मिलेगा। अपने आप में आप शांति का अनुभव अवश्य करेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 11 सितंबर 2022, दिन रविवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद, चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए फटाफट, शाम 4:30 बजे से और 6 बजे के मध्य यह समय है। इस दौरान कोई नया कार्य शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज पश्चिम दिशा, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे बने बनाए काम क्यों बिगड़ते हैं। कई बार, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका कार्य हो जाता है, लगभग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बिगड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, समझते हैं। कभी कभी बिना कारण के सारे काम जो बनने वाले होते हैं बिगड़ने लगते हैं। कुछ कामों के पीछे, उनके मैं ये कहूंगा बिगड़ने के पीछे खुद के कर्म जिम्मेदार होते हैं, तो कुछ कार्यों के पीछे दूसरों के कर्म जिम्मेदार होते हैं। जन्म कुंडली और ग्रहों के अध्ययन से यह जान सकते हैं कि किस कारण से आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। यदि आपको, मैं कहूंगा, आपके ऐसे कार्य बिगड़ने लगे, पितरों की कृपा आपको चाहिए। पितर आपके अगर नाराज नहीं है तो आपको उन कार्यों में सफलता मिल जाती है। अगर खुद की गलत आदतों से काम बिगड़ रहे हैं तो उनका कारण और समाधान बिल्कुल सरल होता है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपके कामों को यदि बिगाड़ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत यत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, उसके बाद ही वह कार्य सिद्ध होता है। कई बार तो बने बनाए कामों को बिगाड़ने के पीछे नजर दोष भी होता है, वास्तु दोष भी होता है, और किसी के द्वारा किया गया तंत्र दोष भी कभी कभी देखा जाता है, जिसके कारण सही समय पर नहीं हमें पता चल पाता और हम हर दिन परेशान रहने लगते हैं। लेकिन आप इन कार्यों पर ध्यान दीजिएगा कि अक्सर आपका कार्य जब बनने को होता है तो वो बिगड़ता क्यों है। इसलिए सूझबूझ से हमें बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और दवा का दान जरूर करना चाहिए। तो भाई, आपका अब कार्य बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपके मन में यदि कोई समस्या है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9643333444, उस पर आप फोन कर दीजिएगा, उस पर अपना मैसेज जरूर भेजिएगा। आइए अब जानते हैं मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए धन की प्राप्ति से मन में खुशी होगी। व्यापार में निवेश ना करिएगा, नौकरी के लिए आवेदन करें, शुभ रंग है सुनहरी। वृषभ राशि, नई नौकरी मिलने का योग है, पुराने मित्र से आज मुलाकात होगी, किसी से वाद विवाद ना करें, शुभ रंग होगा हरा। मिथुन राशि, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहने वाला है, परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, शुभ रंग है आपके लिए केसरिया। अब आपको बताते हैं कि बिगड़े हुए कामों को कैसे बनाते हैं आपके पितर, या बिगड़े हुए काम बनेंगे आपके पितरों के आशीर्वाद से, ये कैसे संभव होगा ये भी समझ लीजिए। देखिए, आजकल पितृपक्ष चल रहा है, प्रतिदिन सुबह के समय स्नान करके
भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें और सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पित करें। पितरों की शांति होगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों के नाम से आपको तर्पण जरूर करना है। पीपल के वृक्ष की जड़ में नियमित रूप से मीठे जल और तिल दोनों को मिलाकर आप पीपल की जड़ में जो एक धारा के साथ अर्पित करिए, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। सुबह के समय गणेश स्तोत्र का पाठ करिए एक बार, और एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, आपका हर कार्य सिद्ध होने लगेगा। अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भरपेट भोजन करा दीजिए। मात्र इतना करने से भी आपको फर्क स्वयं महसूस अवश्य होगा। और हर अमावस्या और पूर्णिमा का संभव हो तो व्रत रखना आरंभ कर दीजिए। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे। कभी भी आर्थिक संकट होने पर या धन के नुकसान होने पर शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन प्रदोष काल में गन्ने के रस से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद जल अर्पित करिएगा और एक शुद्ध घी का दिया शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर दीजिए। मात्र इतना सा करके देखिए, आपका हर कार्य निश्चित तौर पर सफल होने लगेगा और पितर भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और जब पितर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, व्यापार की, नौकरी की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, आपके परिवार में यदि कलह कलेश रहता है तो आज रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री उस कलह कलेश को खत्म कर सकती है। वो भी आपको बताएंगे कैसे होगा, लेकिन पहले जान लीजिए कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशिफल। कर्क राशि। दाम्पत्य जीवन में कलह से बचें, वाहन खरीदने का योग है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शुभ रंग है पीला। सिंह राशि। शाम तक शुभ सूचना आपको मिलेगी, उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है, सफलता प्राप्ति का योग बना हुआ है, शुभ रंग है आज के लिए मरु। बात करते हैं कन्या राशि की। अपने कार्य पर ध्यान दें, अचानक चोट लगने से आप बचेंगे, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, शुभ रंग है आज के लिए नीला। मित्रों, ये तो था कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब देने का, तो वो भी देखते हैं। आज शोभा जी जुड़ी है पटना से। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष गुरु में, जी न्यूज के माध्यम से। आपका प्रश्न है कि आपका बेटा सोता रहता है और कोई काम नहीं करता, कोई उपाय बताइए। देखिए, आपका बेटा मिथुन लग्न और मिथुन राशि का ही है। लग्नेश बुध का 12वें घर में होने के कारण स्वास्थ्य की कुछ परेशानी बनी हुई है। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे का रूटीन चेकअप कराइए, चिकित्सक से सलाह लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, आपको फायदा होगा। बुद्धि के स्थान पर यानी कि पंचम स्थान में राहु के बैठने के कारण कुछ अस्थिरता सी बनी हुई है, बुद्धि अस्थिर है। तो बुधवार के दिन मछलियों को जौ के आटे की गोलियां आप जरूर डलवाइएगा, ऐसा करने से भी आपको फायदा होगा। अपने घर की उत्तर दिशा में जल भर कर रखें और बुध के वैदिक मंत्रों का किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, किसी योग्य विद्वान पुरुष के द्वारा आप जो है जाप करवा लीजिए, आपको फर्क आने लगेगा। प्रतिदिन सुबह के समय बेटे से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाइए, ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके बेटे के अंदर समाया हुआ जो आलस्य है, लेजीनेस है, वो खत्म हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न पूछा है दया रावत ने नैनीताल से। दया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि धन की प्राप्ति के लिए क्या करें और व्यवसाय में कैसे लाभ होगा। दया जी, आप वृश्चिक लग्न और कर्क राशि की हैं। धन के भाव का स्वामी राहु और केतु के ग्रसित होने से ठीक है धन की समस्या बन गई है। जब भी राहु केतु के एक्सेस में धनेश आ जाए, धन को लेकर चिंता हो जाती है, धन कहीं फंस जाता है, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ है। अपने घर की उत्तर दिशा में बहते हुए पानी का एक चित्र लगाएं। हर अमावस्या के दिन पितरों के नाम से कुछ दान करें। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष की जड़ के पास शुद्ध घी का एक दिया जलाइएगा और वहां थोड़ी सी सफेद मिठाई रख दीजिए, आप फर्क स्वयं महसूस करेंगे। किसी योग्य विद्वान की मदद लेकर आप अपने घर की उत्तर दिशा में एक लक्ष्मी यंत्र अभिमंत्रित करवा कर रख लीजिए, ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होने लगेगा।
बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों को शुद्ध घी का बना हुआ खाना खिलाइए। आप देखेंगी कि आपका आपको धन का फायदा भी होने लगा है और आपका धन जहां फंस गया था वो धीरे धीरे आने लगा है। तो शोभा जी ने और इसी तरीके से और दर्शकों ने हमारे से प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया है। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है आप अपना प्रश्न हमारे साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नया वाहन प्राप्ति का योग है, संतान पक्ष की चिंता खत्म होगी, बिना कारण परिवार में कलह ना करें, शुभ रंग है आज के लिए आसमान। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, विदेश यात्रा का योग बन चुका है, प्रेम प्राप्ति में आप सफल होंगे, अपने क्रोध पर काबू रखें, शुभ रंग है आज के लिए गुलाबी। धनु राशि की बात करते हैं, बहुत प्रयास के बाद आपके कार्य सफल होंगे, नौकरी में बदलाव बिल्कुल ना करें, धन खर्च पहले से बढ़ सकता है, शुभ रंग है आज के लिए नारंगी। मित्रों अब समय हो चला उनकी बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिवस की ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके लिए कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस वर्ष आप अपने पैरों की समस्या का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कुछ उनमें चोट लगने का जो है योग दिख रहा है। इस वर्ष प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में कोई निवेश ना करें, पहले से किए हुए निवेश को निकालने का प्रयास करिएगा। इस वर्ष व्यापार और नौकरी में बदलाव हो सकता है, यह बदलाव आपको बहुत सोचकर ही करना है। तो धन स्वास्थ्य और कैरियर की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप चंद्र स्तोत्र का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आपको फायदा होने लगेगा। इस वर्ष महीने में कम से कम एक बार जीव जंतुओं की सेवा अवश्य करिएगा, बर्ड्स की सेवा करिएगा, उनको दाने और उनके पानी की व्यवस्था कर दीजिए, आपको फायदा होने लगेगा। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें ढेरों शुभकामना। मित्रों सफलता का अचूक महा उपाय आज बहुत खास है, वो आपको दें लेकिन उससे पहले जानिए मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, अपने घर में परिवार के साथ समय बिताएं, जरूरत पर मित्रों की सलाह जरूर लीजिएगा, रिश्तों में मधुरता आ सकती है, शुभ रंग है आज के लिए जामुनी। बात करते हैं कुंभ राशि की, रुका हुआ व्यापार चलने लगेगा, नौकरी की समस्या पहले से कम होगी, खत्म भी हो सकती है, माता पिता की सलाह अवश्य लें, शुभ रंग है आज के लिए नारंगी। बात करते हैं मीन राशि की, अपने बड़े बुजुर्गों से आदर से बात करिए, अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, संबंधों में खटास बिल्कुल ना आने दें, शुभ रंग है आज सुनहरी। तो मित्रों जैसा हमने कहा था कि आज सफलता का अचूक महा उपाय बहुत खास है, अब समय हो चला है आपके साथ वो उपाय साझा करें। मित्रों आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से यदि आप बाहर जा रहे हैं तो क्या करना है, घर से निकलते समय थोड़े से कपूर पर दो लौंग जलाकर आप घर से निकलिएगा, आपको फायदा अवश्य होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों की सेहत में बताने वाले हैं, यदि वो गले की किसी समस्या से परेशान हैं, क्या करें उपाय, त्रिफला के चूर्ण को पानी में मिलाइए और उससे कुल्ला करिए, गरारे करिए, आपको फायदा जरूर होगा। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की, उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार है। एक जायफल पर सिंदूर लगाकर आज के दिन देवी दुर्गा को अर्पित करिए, फायदा अवश्य होगा। बात करते हैं रसोई घर की उस अचूक सामग्री की, जिसको अपनाने के बाद आपके पारिवारिक कलह कलेश कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो सकते हैं, ये आपके श्रद्धा पर निर्भर है। मित्रों आज रसोई घर से हम लेकर आए हैं आपके लिए साबुत मूंग। पहले तो 5 मुट्ठी साबुत मूंग आप लें, उन्हें भिगो लीजिए, जब वो फूल जाएंगे, जब वो भीग जाएंगे, उन्हें पक्षियों को डालना आरंभ कर दीजिए, ऐसा करने से आपके पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो जाएंगे।
आज हमने आपको बताया कि कैसे आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और उन बिगड़े हुए कामों के पीछे कौन जिम्मेदार होता है। यदि आप स्वयं जिम्मेदार हैं तो बहुत आसान होगा आपके लिए उन कामों को बनाना। यदि दूसरे व्यक्ति जिम्मेदार हैं तो भी आप उन कार्यों को बना सकते हैं। और पितरों का परम आशीर्वाद जब आपको मिल जाता है तो आपके बड़े से बड़े कार्यों की परेशानियां विघ्न जो है उनके आशीर्वाद से खत्म हो जाती हैं। तो मित्रों, पितरों के निमित्त जो है जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करते रहिएगा ताकि उनकी अपार कृपा आप पर बनी रहे। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।